हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मटर पनीर बहुत ही बढ़िया तरीके से होटल में ढाबे जैसा। सबसे पहले हम पनीर फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 1 किलो पनीर। तो पहले हम पनीर को फ्राई करेंगे हल्का हल्का। तेल हम यूज़ कर रहे हैं सरसों का। सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है, आप चाहें तो रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे चला के इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। पहले देखिए पनीर को हमने हल्का हल्का लाल कर लिया है। अब इसे निकाल लेते हैं कढ़ाई से बाहर। तो हमने सारा पनीर बाहर निकाल लिया है। देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है, खाने में अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं तेल में जीरा, तेल हमने कम कर लिया है। साथ में हम डाल रहे हैं सूखा धनिया। अब इसमें हम डाल रहे हैं प्याज का पेस्ट। हमने 4 बड़े प्याज का पेस्ट बना के तैयार कर लिया था, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। इसको अच्छे से भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, इन मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे। प्याज का जो पेस्ट था दोस्तों, मैं बताना भूल गया आपको, उसमें अदरक भी था और लहसुन भी था। 4 बड़े प्याज थे, 2 टुकड़े लहसुन के। अब यहाँ पे हरी मटर डाल देते हैं। इसमें अब डालेंगे हम पनीर मसाला। ये हमने पैकेट वाला लिया हुआ है। अब यहाँ पे हम डालेंगे मैगी मसाला। अब इसमें पानी यूज़ करेंगे हम। ग्रेवी भी गाढ़ी है, तो अभी हम पहले डाल देते हैं इसमें पनीर।
नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। अब ग्रेवी को हम थोड़ा पतला कर लेते हैं और इसे पकने देंगे करीब 10 मिनट तक स्लो आंच पे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं क्योंकि 10 मिनट तक पकेगा तो पानी और सूखेगा इसका। तो यहाँ देखिए उबाल आ चुका है इसमें और पनीर भी हमारा अच्छे से पक चुका है। तो इसमें डालेंगे हरा धनिया और पनीर की सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। देखिए बहुत ही बढ़िया बनके तैयार हुई है। कभी भी ट्राई कीजिएगा आप, बहुत पसंद आएगी आपको रेसिपी। बाकी अपना अनुभव अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो हमारा कैसा लगा आपको ये भी हमें बताइएगा। चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।